to the power number of terms. K plus one. How many terms? How many terms are here? Last term देखो k minus one है, ध्यान रखना. कितनी terms हैं यहाँ पर total? Four. Total यहाँ पर कितनी terms लिखी हैं? N plus. N plus k plus one. No, no. ध्यान दो. One लिखा है तो दो terms हैं. Two लिखा है तो तीन terms हैं. K minus one लिखा है तो k terms हैं. Okay sir. K terms हैं ना? Hmm. Minus one divided by minus one. भैया जीपी का सिंपल सा फॉर्मूला है. अभी एक पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में जीपी यूज करके आए हैं अभी हम, तो जीपी का सम का फॉर्मूला. इसको जरा सिंपलीफाई करते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन इन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऐड होंगे ना, क्या आएगा? वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस के माइनस वन प्लस एक्स पावर एन होल थिंग डिवाइडेड बाय x. यस. अब ये जो डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है भाई? ये क्या गड़बड़ी फैला रहा है? डिनोमिनेटर वाला ये डिनोमिनेटर वाला जो x है वो एक पावर कम कर देगा ना. जो डिनोमिनेटर वाला जो x है, मतलब अगर मान लो ऊपर x पावर 4 आ रहा है तो नीचे वाला x उसको x क्यूब बना देगा. अब अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n निकालना है तो न्यूमरेटर से मुझे क्या निकालना चाहिए फिर? बताओ भाई, क्या ये बात सबको समझ में आती है कि न्यूमरेटर से हमको इनफैक्ट वन डिग्री मोर वो जो है वो एक डिग्री कम कर देगा ना उसकी. अगर पावर फाइव है तो फोर कर देगा, टेन है तो नाइन कर देगा, एन प्लस वन है तो एन कर देगा. समझा? Yes. क्या होगा? एक्स पावर एन प्लस वन का कोएफिशिएंट वन प्लस एक्स पावर एन प्लस के में, एन प्लस के सी एन प्लस वन. क्या होगा? एक्स पावर एन प्लस वन का कोएफिशिएंट वन प्लस एक्स होल पावर एन जीरो. जीरो होगा ही नहीं, बिकॉज द हाइएस्ट पावर यू गेट इज एक्स पावर एन, उससे बड़ी पावर तो आएगी नहीं. एंड दिस इज योर आंसर. दिस इज द सेम आंसर फ्रॉम मेथड वन. दिस वाज मेथड टू. सर तो मेथड टू बहुत जनरलाइज्ड वे है ना. मेथड टू ऐसा है कि इसमें अब तुम्हें सोचना नहीं है ना. एक डायरेक्शन पकड़ ली, जीपी बनाई. जीपी क्या, ये सीरीज कुछ भी हो सकती है. मतलब क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी हो इस मेथड से डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है, बिकॉज नाउ वी आर लुकिंग एट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एज कोएफिशिएंट्स इन एन एक्सपेंशन. दे आर ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बट फर्स्ट टाइम हमने सीरीज में उसका यूज करना इस तरीके से शुरू किया. तो नॉट जस्ट वन एक्सपेंशन, दे आर मल्टीपल एक्सपेंशंस. इन मल्टीपल एक्सपेंशंस अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वॉज क्रिएटेड, तो हमने उसका सम निकाल लिया. It could be a geometric progression, it could be a AGP, it could be a binomial expansion itself. ये कुछ भी हो सकता है. As long as we can write this in a closed form, you can always get your answer. तो अब ऐसा मत करा करो, generalize तरीके से सोचना शुरू करो. ये मत सोचो कि अब तुम्हें same question मिल जाएगा. ये मत assume करो कि तुम्हें GP मिलने वाली है वापस. हो सकता है GP की जगह AGP मिल जाए, but हमें AGP का सम भी तो निकालना आता है ना. थोड़ा सा और बेटर क्वेश्चन हो जाएगा, है कि नहीं? अभी करते हैं उस क्वेश्चन को, जरा उसको नोट करो. मेथड वन सबने नोट कर लिया? मेथड वन कुछ भी हो सकता है क्या? कहां पर के? के अच्छा, के यहां पर जो लिखा हुआ है, के यहां पर ऑब्वियसली होल नंबर तो है ही, है ना, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं. जीरो हो गया तो फिर नहीं होगा ना. जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम के माइनस वन तक गए ना, तो हम पीछे थोड़ी जा सकते हैं. हमने एनसीएन से स्टार्ट किया है तो के वन से ही स्टार्ट होगा. मेरे को ना लास्ट टाइम मैंने क्या लिखी है, लास्ट टाइम मैंने लिखी है के एन प्लस के माइनस वन. तो अगर मैंने के को जीरो डाल दिया तो अपर इंडेक्स एन माइनस वन हो जाएगा. हमने हमारी फर्स्ट टर्म ही एनसीएन है तो के जीरो तो नहीं हो सकता. के वन से स्टार्ट होगा. वन डालने पर आ रहा है आंसर, मैच कर रहा है? देखो हाँ, मैच कर रहा है. वन पे वन आता है आंसर.
सही है ना, नोट कर लो भाई, मेथड टू भी नोट कर लो, और मेथड टू में किसी को अगर डाउट हो तो जरा डिस्कशन हो जाए मेथड टू के लिए। सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया था मुझे समझा नहीं हो। अच्छा लास्ट में समझा, तो मुझे सर बताओ मैं लिख रहा था कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होगा इन 3x पावर 5 4x पावर 4 5x क्यूब अपॉन x, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब्ड इन दिस एक्सप्रेशन, कैसे 4 तो x पावर 4 का है, मैं तो x क्यूब पूछ रहा हूं, 4 कैसे है कैंसिल हो गया। हेलो हाँ सर, 4 कैसे, अरे सही बोल रहा है एक्सप्लेन तो कर। हाँ सर कैंसिल करके, सर अब किस सेंस में पूछ रहे, नहीं नहीं सही मतलब वही, क्योंकि ये x से कैंसिल हो रहा है ना, x पावर 4 बाय x x क्यूब बन रहा है ना, हाँ तो वही चीज हमने यहाँ पे की है, या डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ था और मुझे तो x पावर n का चाहिए कोएफिशिएंट, तो मैंने इसको n प्लस 1 का निकाला न्यूमरेटर से, ओके न्यूमरेटर में जब x पावर n प्लस 1 रहेगा और बाय x होगा तो अपने आप ये 1 कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ समझा, हाँ सर समझा, ठीक नोट कर लिया सभी ने भाई, मेथड टू नोट कर लिया, यस सर, ओके यस। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना, सपोज वी हैव एन सी नॉट इनटू एन सी आर प्लस एन सी वन into n minus 1 cr, अगर तुम्हें r कंफ्यूज करता हो तो मैं उसको k ले देता हूं, चलो n c k n c 2 n minus 2 c k and so on to n c n minus k k c k, ये अब ये क्वेश्चन देने का पर्पस पता है क्या है, इस क्वेश्चन में देखो ऑपरेंट एक्स वेरिएबल है एक पार्ट में n n माइनस वन n माइनस टू सो ऑन टू k तक पहुंच रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि तुम मेथड टू की प्रैक्टिस करो, मेथड वन तो छोड़ो क्योंकि यहां पे दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेथड वन तो फिलहाल छोड़ो, मेथड वन मतलब इसका एक दूसरा मेथड भी आएगा वो डिस्कस करेंगे, बट इस क्वेश्चन को मैं मेथड टू की प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। मेथड टू हमारा क्या था, इफ अपर इंडेक्स इज चेंजिंग इट इज वेरिएबल सो रिप्लेस दीज कोएफिशिएंट्स बाय करेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल एक्सपेंशंस, सो हाउ डू यू सी एन सी के, व्हाट इज एन सी के टेल मी, व्हाट इज एन सी के, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ, हेलो एक्स पावर के, अरे क्या हो गया भाई, एनर्जी जी कहाँ गई तुम्हारी, कहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, सो रहे हो कि रो रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों, समझ में नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट है क्या ये, क्या हो गया है nice. अभी डिफिकल्ट वाला पहुंचा नहीं है, अभी एडवांस के ऊपर हम गए नहीं है, एक भी क्वेश्चन बियॉन्ड एडवांस नहीं गया अभी तक, अभी तुमने गिव अप मार दिया यार, चलो बताओ व्हाट इज एन सी के एक्स पावर के इन, सर आपकी आवाज अभी ब्रेक की थी थोड़ी, अरे बोलना यार, इन व्हाट 1 प्लस एक्स पावर एन, अरे ये जीरो, सर आपकी आवाज जीरो, कैन मी आ गया भाई, जीरो कैन मी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी क्या, कब से रिकॉर्डिंग कब से स्टार्ट हुई भाई,
थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई है जी सर। क्या बात, अरे कोई बोल तो दो यार, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के इन व्हाट? सर हम बोल रहे हैं पावर है। अच्छा मुझे आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोलो ना फिर, क्या बोलूं सर? 1 + x पावर n से पहले एक n c नॉट भी लगाओगे? n c नॉट इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगला बताओ, एन सी वन, वन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन, अगला बताओ एन सी टू, वन प्लस एक्स पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन टू एन सी एन माइनस के, एन माइनस के, वन प्लस एक्स पावर के के। अच्छा इसकी इसकी ठीक है, इसके आगे है नहीं, बट मान लो इसके आगे लिखें, इसी को आगे बढ़ाएं, क्या आगे इसकी नेक्स्ट टर्म एन सी, देखो ना जीरो वन टू बढ़ रहा है ना, एन माइनस के प्लस वन, वन प्लस एक्स पावर के माइनस, अरे माइक बंद, वन प्लस एक्स पावर के माइनस वन। इस टर्म को लिखने से क्या कोई बुरा मानेगा इस बात का कि हमने ये टर्म लिखी है? क्या कोई गलत बात है इसको लिखना? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ पे वो तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, और वैसे हम x पावर k ढूंढ रहे हैं, k माइनस वन तो वैसे भी छोटा है ना। इसका मतलब मैं इसको इस पूरी सीरीज को लिख सकता हूँ। व्हाट विल बी द लास्ट टर्म इन दिस होल थिंग, होल सीरीज लास्ट टर्म क्या होगी सर? एनसी नॉट आ गया, एनसी वन प्लस एक्स पावर, क्या है भाई, क्या तुम इसका सम निकाल सकते हो? ये जो लिखा हुआ है, क्या तुम इसका सम निकाल सकते हो? हाँ सर, ये भी एक सम का, ये एक एक्सपेंशन तो है, ये भी एक एक्सपेंशन है। दिस इज वन प्लस एक्स प्लस वन का पावर एन का एक्सपेंशन है। क्या बात है, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो a प्लस बी होल पावर n करके करके खुद देखो क्या होता है a प्लस बी होल पावर n का एक्सपेंशन, एन सी नॉट a पावर n। यहाँ पे a जो है वो 1 प्लस x है, b जो है वो 1 है, एन सी 1 a पावर n माइनस 1 इंटू बी 1 ही, एन सी 2 a पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। देख रहे हो, इसका मतलब we want to find coefficient of x power k in what? क्या होगा इसका सम? 2 plus x. And what is coefficient of x power k in 2 plus x whole power n? क्या होगा इसका सम? बताओ coefficient. तो general term लिख लेंगे, उसके बाद power को एक case equate कर देंगे। इतना time नहीं होता है। तो आंसर जल्दी निकालो, अब इतना जनरल टर्म लिखेंगे और फिर ये करेंगे, फिर हम थोड़ा सा जो है पानी वानी पी के आएंगे उसके बाद लिखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। जल्दी देखो, एन सी के इंटू टू पावर एन माइनस के इंटू एक्स पावर के, ये तो होगा, तो कोएफिशिएंट क्या हुआ एन सी के इंटू टू पावर एन माइनस के, दिस इज योर आंसर। आगे आंसर समझ रहे हो, तो जब अपर इंडेक्स वैरी करता है तो ये मेथड हमेशा काम का आता है। ये जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ये जीपी बनी थी, और देखो इस क्वेश्चन में कहीं ये खुद बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया, ये खुद एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया। तो कोई भी सीरीज बन सकती है जिसका हम सम निकाल सकते हैं, उसको हम क्लोज फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें केवल, देखो वही बात होती है कि मैं आई कैन नॉट गिव यू 1000 इलस्ट्रेशंस इन अ the class, right? But similar type of strategies can be used in what questions? Where your upper index is variable. If upper index is variable, you can think of this method. Is method se proceed kar sakte ho. Nahi aaya to kuch aur sochenge. Is question ko solve karne ka dusra method bhi ho sakta hai. Kya ho sakta hai dusra method is question ko solve karne ka? What could be another method? Sir, हम इसको दो अलग-अलग polynomials का product
करके बता सकते हैं क्या? बट दो पॉलीनोमियल्स नहीं, दो एक्सपेंशंस, बाइनोमियल एक्सपेंशंस। और पहला एक्सपेंशन तो क्लियर है, मतलब 1 + x होल पावर n। बट यहां पे देखो मल्टीपल एक्सपेंशंस होंगे ना, दीस टर्म्स आर नॉट पार्ट ऑफ सिंगल एक्सपेंशन। तो दो नहीं, अगर तो मल्टीप्लाई करना है तो फिर, और फिर जो है वो चीज एब्सेंट हो जाएगी ना, बिकॉज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई सिंगल एक्सपेंशन टू डिफरेंट एक्सपेंशंस। और उसके बाद, उसके बाद अगर तुमने कलेक्ट किया तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ पहुंचोगी, यहीं पे पहुंच जाओगे तुम वापस। मतलब वो कहीं ना कहीं सेम ही चीज है जो तुम कह रही हो ना, वो कहीं ना कहीं सेम चीज है। कोई और तरीका, अ वेरी आई मीन कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग समेशन। देयर इज ऑलवेज मेथड टू। किसी ने मैथ्स में बोल दिया कि एक ही मेथड है तो गलत बोल रहा है। There is always another method. अब method two यहाँ पर ये है, वो है using summation. Can you tell me sigma की form में क्या लिखोगे इसको तुम? Sigma of what? बताओ. Sigma NCR N minus R C K. Very good. और R is varying from 0 to K. उसके फॉर्मूले से ओपन करें और अपने आप आंसर निकालें इसका, ठीक है? इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड टू भी है और वो ये है, इससे तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो अब तुम लोग 5:45 से क्या है केमिस्ट्री थी, मतलब 50 तो हो ही गया, जो 6 o'clock से स्टार्ट होगी, ठीक है? मैं बोल देता हूँ 10 minutes का ब्रेक है, 10 minutes का ब्रेक ले लो, ठीक है? मैं अभी ये भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग तुम कुछ नहीं कर सकता, चलो ठीक है? ये वैसे बाय चांस इन्होंने कर दिया है, क्लास तो 2 घंटे की होगी, कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दिया आज, प्रैक्टिस सेशन की वजह से हो गया आई थिंक। हाँ, मैं बोला था कि प्रैक्टिस सेशन